खरगोन जिले में नगर पालिका प्रशासन को सफाई कामगारों ने अपनी मुख्य मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। हम आपको बता दें कि खरगोन शहर के बावड़ी बस स्टैंड पर सफाई कामगार के मकानों को नगर पालिका प्रशासन द्वारा सूचना देकर इस शर्त पर हटाया कि अन्य जगह आवास योजना का लाभ दिया जाएगा, लेकिन 6 माह बीतने के बाद भी सफाई कामगार मुख्य मांग आवास और वेतन संबंधित परेशानियों को लेकर नगर पालिका प्रशासन के समक्ष पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। वहीं नगर पालिका CMO की माने तो जल्द ही समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। मेन चीज तो ये है, मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ कि यहाँ पर जो अपने सफाई कामगार है उनके बावड़ी के ऊपर जो मकान बने थे जो तोड़ दिए थे और अभी तक के उनको व्यवस्थित नहीं किया गया। उस मैडम मेरी चर्चा हुई CMO साहब से, तो CMO साहब ने ये कहा है कि आप उनकी जो कार्रवाई है मैं जल्द से जल्द पूरी कर रहा हूँ, उसका उन्होंने मुझे आश्वासन दिया। किन किन मुद्दों पे समस्या मतलब कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा की गया? कुछ जैसे यहाँ पर ठेकेदारी की प्रथा है उस मैटर में चर्चा हुई है। कुछ अपने GPS से मस्टर गर्मी वगैरह इन मैटरों में चर्चा हुई, बरसाती वगैरह कीट वगैरह है जो झाड़ू है इन चीजों के उसमें चर्चा हुई है जो मिल नहीं पाती, उस मैटर में चर्चा हुई। तो उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया है कि मैं ये काम जल्द से जल्द करा दूँ। अभी 3 रोज पहले कुछ कर्मचारियों के मुद्दे को लेकर के CMO साहब से मैं चर्चा के लिए, हम संभाग उपाध्यक्ष करीम भाई है, मैं हूँ रहमान भाई, कुछ कर्मचारी हम गए थे। तो जैसे समय समय पर GPF नहीं जमा होता है और लेखा शाखे वाले जो जोशी जी हैं उनसे संबंध में बात करें तो वो बताते हैं पैसा नहीं है, जबकि वो जो GPF का पैसा रहता है वो वेतन से काट करके जो है जमा करना चाहिए, क्योंकि ये ठेकेदारों को पैसा देते हैं। एक समस्या तो उस संबंध में बात करना थी CMO साहब से। दूसरी समस्या ये है कि जो 40-50 वर्ष से जो कॉलोनी वासी पावड़ी वासी जो रह रहे थे वहाँ पर, उसमें अतिक्रमण करके उनको सूचना दे करके तोड़ दिया गया, आश्वासन दे करके CMO निशिकांत शुक्ला जी ने ये आश्वासन दिया था कि हम आपको 10 रोज के अंदर प्लाट वो पट्टा और जो सरकार की योजना है मुख्यमंत्री प्लाट वाली वो आपको दिलवा देंगे, ये हम 10 रोज में आपका ये काम करवा देंगे। जो आज दिनांक तक 6 माह हो गए कर्मचारियों को यहाँ पर दौड़ते दौड़ते वो आज बेघर हो गए। दूसरी समस्या ये लेकर के हमने चर्चा की थी। तीसरी चर्चा ये थी कि इनका जो पैसा है रेल की राशि का उसका वो दिया जाए। और चौथी चर्चा में ये था कि जो बरसात में कर्मचारी बेचारे काम कर रहे हैं बरसात में उसकी किट देकर को ये समस्या से मिलने के लिए हम गए थे, जो CMO साहब ने हमसे मिलने के लिए मना कर दिया। लेटर जो हमने संगठन का लेटर दिया था उनको उसके लिए वो लेटर लेने के लिए उन्होंने मना कर दिया। उसी संबंध में हमारे वरिष्ठ जो संभाग अध्यक्ष आनंद चावरे जी हैं इंदौर, संभाग प्रदेश अध्यक्ष मंगललाल झांझोट जी हैं उनसे इस मामले में शिकायत करी। मंगललाल झांझोट जी ने हमारे संभाग अध्यक्ष चावरे जी आज आए हैं, उसी संबंध में CMO साहब से इन्होंने चर्चा की। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।